हेलो क्रिकेटर्स, क्रिकेट कार्डियो की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले ही हफ्ते मैंने एसजी क्रिकेट किट की अनबॉक्सिंग की थी, उसमें आपको ये दोनों इंग्लिश बिल्लो बैट्स तो नजर आई होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि एसजी सन्नी टन्नी क्लासिक बैट की रिव्यू किया जाए, और अगर आप आज की वीडियो में 500 कमेंट्स पूरे करा देते हो तो एक और वीडियो बनेगी बहुत ही जल्द, जिसमें मैं ट्रिपल क्राउन क्लासिक के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा एसजी सन्नी टन्नी के बैट मेजरमेंट्स, इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या इसका वेट है और क्या इसकी प्राइस रेंज है। ये सारी चीजें आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिकेटर्स, सबसे पहले हम बैट के लुक्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये कवर नजर आ जाएगा बैट के साथ, ये देखिए इन पीछे लिखा हुआ है बिलीव विकम, और जैसे ही हम ये कवर खोलेंगे हमारा मेन एसजी सन्नी टन्नी क्लासिक बैट निकल के आएगा। ये देखिए, कवर को हम साइड में रख देते हैं, आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको बैट दिखा देता हूँ। ये देखिए, फ्रंट फेस की दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे एसजी की ब्रांडिंग दी गई है, स्टिकर लगाया गया है एसजी, यहाँ पे लिखा हुआ है सन्नी टन्नी क्लासिक, और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे सुनील गावस्कर जी के ऑटोग्राफ भी है और इंग्लिश बिल्लो ये बैट है। आप में से काफी सारे लोग सोचते होंगे कि यार एसजी की सही फुल फॉर्म सुनील गावस्कर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सुनील गावस्कर जो रहे हैं वो बहुत स्टार्टिंग के इनके स्पॉन्सर्ड प्लेयर रहे हैं, तो इसीलिए सुनील गावस्कर के काफी ज्यादा साइंस आपको नजर आते होंगे एसजी के बैट्स पे। एसजी की सही फुल फॉर्म है सेंस पेरेल्स ग्रीनलैंड, और इसकी बात करें तो फ्रंट फेस की यहाँ पे टेप भी लगा के दी गई है, और इसकी ग्रेन्स की हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ग्रेन्स दोस्तों इस बैट में दी गई है, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स है, आप देख सकते हैं। ये देखिए स्ट्रेट है बिल्कुल। साइड में हम बात करें तो यहाँ पे लेजर प्रिंटिंग से, ये देखिए मेरे टी शर्ट पे भी लोगो है, यही लोगो यहाँ पे प्रिंट किया गया है लेजर प्रिंटिंग से। यहाँ पे स्टिकर है, ये दोनों स्टिकर हैं, ये भी सेम लेजर प्रिंटिंग, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोई भी टो गार्ड नहीं है, बट ये आप आराम से लगवा सकते हो, 150 रुपये का कुछ आता है। अब हम ग्रिप की बात करें तो ग्रिप जो है वो है जिगजैग टाइप की, मतलब ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े को हम जिगजैग बोलते हैं, तो इसलिए जिगजैग ग्रिप है ये। और इसकी बात करें हैंडल की, शॉर्ट हैंडल ये है। साइड में आपको ये तीन लाइंस नजर आती है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है ये देखिए, इसके अंदर बैट को शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए ये कॉर्क की तीन लाइंस, कॉर्क मटेरियल यहाँ पे फिट किया जाता है, क्योंकि जब आपके बैट से बॉल हिट करेगी तो उसका जो शॉक होगा, जो आपके हाथ में शॉक आएगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये इंसर्ट किया जाता है, ये केन हैंडल इसे बोला जाता है। अब क्रिकेटर्स, इसकी वेट की बात करें तो ये 1160 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम तक का इसका वेट होता है। जो भी प्रोफेशनल प्लेयर्स आपको बड़े लेवल पे खेलते हुए मिलेंगे वो जनरली इसी वेट कैटेगरी के अंडर के बैट्स यूज करते हैं। मैं खुद 1160 या 1170 वेट के बैट्स यूज करता हूँ। अब इसकी मेजरमेंट हम प्रॉपर इंची टेप से करने वाले हैं, और हम ये भी चेक करेंगे कि ये बैट की जो मेजरमेंट्स है, जो इसकी हाइट विड्थ है, वो ICC के बैट के रूल्स के अंडर फॉल करती है या फिर नहीं। अब सबसे पहले हम इसकी हाइट की बात करते हैं, इंचेस इसकी हाइट है, और अब विड्थ की बात करें हम 4.5 इंचेस इसकी विड्थ है, और अब साइड की ब्लेड की बात करें तो 4 सेंटीमीटर की ये ब्लेड है। ये बिल्कुल सारे जो भी मैंने आपको अभी मेजरमेंट्स बताए हैं ये ICC के रूल्स के अंडर है। और एक और होती है, ये स्वीट स्पॉट से लेके यहाँ तक की भी हाइट नापी जाती है, तो इसको भी नाप लेते हैं हम। ये 6.7 सेंटीमीटर इसका होता है ICC के रूल्स के हिसाब से। जी हाँ, बिल्कुल एक्यूरेट, इसकी जो मेजरमेंट्स है बिल्कुल एक्यूरेट है ICC के रूल्स के हिसाब से। अब पिंग टेस्ट के लिए दोस्तों हम सबसे पहले यूज करेंगे हैमर। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि बैट को कैसे नॉक किया जाए, तो वो भी आप आई बटन पे वीडियो चेक कर सकते हो। अभी हम फिलहाल पिंग टेस्ट कर लेते हैं इसकी,
देखिए कितनी अच्छी साउंड आ रही है इसके, जो मैं स्वीट स्पॉट पे हिट कर रहा हूँ तो ये हैमर भी अपने आप बाउंस बैक आके, देखिए बैट इतना ज्यादा पीछे नहीं जा रहा है बट हैमर ये देखिए। अब हम बॉल यूज करते हैं और पिंग चेक करते हैं, अब देखते हैं इसकी पिंग। ये नॉक्ड बैट नहीं है दोस्तों, बट यकीन मानिएगा बहुत अच्छी पिंग आ रही है जब भी इसके मिडल स्पॉट से लग रही है। बाकी आप जैसे जैसे बैट बनाओगे तो एजेस भी और ये सब इसकी ट्रेन होती जाएगी, बट मिडल से काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, ये देखिए मैंने इसको ज़्यादा नॉक नहीं किया है, अभी ये नॉकिंग के प्रोसेस में है, बट इसकी देखिए आप पिंग देखिए, बहुत ही क्लासिक बैट लगा है दोस्तों मुझे ये। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। देखो दोस्तों जो भी बैट के प्राइस होते हैं वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, एक तो उसके साइज़ के और सेकंड ये जो वुड का ग्रेड होती है उस पे डिपेंड करते हैं। तो साइज़ की हम बात करें तो ये वाला बैट 4, 5, 6 और हैरो और शॉर्ट हैंडल, ये देख सकते हैं आप ये शॉर्ट हैंडल बैट है, तो ये सारे साइज़ के बैट इसमें अवेलेबल होंगे। और ग्रेड ग्रेड की बात करें तो 4 ग्रेड के बैट्स की वुड होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी वुड होती है, उसके बाद कम 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 ऐसे होते जाते हैं। और इसकी हम बात करें प्राइस, मैं बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, और SG की वेबसाइट लिंक भी आपको दे दूंगा, और SG के जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट उनके जो भी बैट्स या फिर जो भी उनके इक्विपमेंट्स की न्यूज़ आती है वो वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी उनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन जाके इस बैट को खरीदना चाहते हो तो दोस्तों आप वो भी कर सकते हो, वो भी आपको काफ़ी सस्ता पड़ सकता है क्योंकि काफ़ी दुकानों पे आपको डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। तो ये तरीका है इस बैट को लेने के। बाकी मेरी तरफ से दोस्तों आप बिल्कुल ये बैट ले सकते हो, अगर आपका जो बजट है वो 8 से 10 हज़ार तक है, थोड़ा सा और टाइम आप सेव करो तो दोस्तों आपको ये बैट मिल जाएगा। और इस बैट को नॉकिंग और कैसे इस बैट को बनाना है पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो उसको आप फॉलो जरूर कीजिए वरना आपका बैट टूट जाएगा। इतने महंगे आप बैट लेते हो तो उनको संभालना भी आना चाहिए, ये नहीं कि हमने बैट ले लिया और उसे यूज़ नहीं करना आता है, उसे ऐसे ही खेले जा रहे हैं कैसे भी किसी को भी दे रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना होता दोस्तों। आपका बैट है, आपकी अमानत है, बिल्कुल इसे संभाल के रखिए। अगर आप इस वीडियो में 500 कमेंट्स पूरे करा देते हो तो जो ट्रिपल क्राउन वाला बैट है दोस्तों उसका प्रोडक्ट रिव्यू भी मैं लेके आ जाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं इस बैट के मुकाबले, बाकी वो चेंजेस मैं आपको उसी वीडियो में बताने वाला हूं। आज की वीडियो को लाइक कर दे, 500 कमेंट कर दिए तो उसका भी प्रोडक्ट रिव्यू आ जाएगा। बाकी भाई को सपोर्ट करते रहिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जय हिंद, नमस्कार।